हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल ट्रेंडी टेक टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लैपटॉप स्टैंड जो कि मेगा स्ट्रो कंपनी की ओर से आती है उसे लेके आया हूं। इसका मैं आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ में कैसी है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए रिव्यू करके बताऊँगा, इसकी क्वालिटी कैसी है, वारंटी क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसे मैंने अमेजन से 795 रुपीज़ में परचेस किया है। डिस्काउंट वगैरह करके आप इसे अराउंड 720 तक भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब कैसी है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद आप मेरी वीडियो को देख के, मेरे रिव्यू को देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप इसे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी की हो आपको एक लैपटॉप स्टैंड तो लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का वेंटिलेशन पार्ट जो नीचे साइड में रहती है वो हमें अगर लैप में लेते हैं या बिस्तर पे काम करते हैं या टेबल पे काम करते हैं तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती है, उसके लिए हमें लैपटॉप स्टैंड का ज़रूरत है। अब कोई भी स्टैंड है लेकिन एक लैपटॉप स्टैंड रखना ज़रूरी है काम करने के लिए। मैं लैपटॉप स्टैंड के क्या बेनिफिट होगी वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा, आप वीडियो देख के समझ जाएंगे लैपटॉप स्टैंड लेने से क्या क्या फ़ायदा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग को इसे वीडियो देखने के बाद पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लोग बेस्ट बाय लिंक से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, अमेजन से मेगा स्ट्रो लैपटॉप स्टैंड मेरे पास इस तरह आई है। मैंने इसे ओपन करके नहीं देखा है, बिल्कुल सील्ड है। जैसे आई मैंने उसे ले लिया है, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ले लिया। अब इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कट करने के बाद आप देख सकते हैं इस पैकेट से मेरे पास एक बॉक्स आई है और साथ में एक बिल है। देखिए दोस्तों, मेगा स्ट्रो लैपटॉप स्टैंड है और ये मेरे पास आई है 795 रुपीज़ की। 795 रुपीज़ में मैंने इसे लिया है। इसका मैंने रिव्यू देख रहा था, बहुत जगह बहुत बढ़िया थी इसलिए इसे मैंने लिया है। अब देखिए, इस तरह की बहुत ज़्यादा हार्ड तो पैकिंग नहीं है, सॉफ्ट सी है। देखते हैं अब अंदर क्या है, किस तरह की है। तो इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह बॉक्स ओपन करने से हमारे पास एक ये मोबाइल स्टैंड है। मैं आपको स्टैंड करके दिखाऊंगा किस तरह की है। इस बीच मेगा स्ट्रो की है पैकेज है और साथ में हमारे पास एक पाउच आई है कपड़े की है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर ख़राब भी नहीं है। इसमें मेगा स्ट्रो की ब्रांडिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब मेन जो बॉक्स है हमारा जिसमें लैपटॉप स्टैंड है, इसे ओपन करके देखते हैं। ये कोई टेपिंग नहीं है, खुली सी है। ओपन करते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें से जो निकली है बस यही आइटम है। इसको भी हम करते हैं साइड। जब मेरा स्ट्रो के लिए देखिए, हमारे पास एक इस तरह की मैनुअल आ जाती है। मैं इसको देख रहा था कि 10 साल की वारंटी देती है, इसमें 1 ईयर एडिशनल वारंटी बता रही है, पर जब आप देखेंगे अमेजन में या कहीं लेंगे तो इसकी 10 ईयर्स की वारंटी बताती है कंपनी। से इस अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छा समझती है, इसलिए उसने इसे 10 साल की वारंटी दी है। ये हमें केबल प्रोटेक्टर भी इस प्रोडक्ट के साथ मिल जाती है। इसमें 1, 2, 3, 4 है केबल प्रोडक्ट। बहुत जगह आपको केबल प्रोडक्ट आपको जैसे एक केबल इस एंड में जाके बैंड हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है, तो इस जगह लगाने के लिए हमें केबल प्रोटेक्टर मिल जाती है। स्ट्रेट रहेगी, इस तरह आप लगा सकते हैं। इसको भी मैं लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो चलिए दोस्तों मेन यूनिट को ओपन करते हैं। अब हम लैपटॉप स्टैंड को ओपन करते हैं। देखिए मैंने निकाल लिया इसे, एक पाउच है, दो पाउच मिल जाती है इसका मतलब हमें। और ये हमारा लैपटॉप स्टैंड है, एक ग्रे कलर की है, एल्युमिनियम कलर की भी आती है। लैपटॉप जिस हिसाब की उस हिसाब से आपको लेना है। तो वह ग्रिप है 1 2 3 4, प्लस यहाँ भी है जहाँ लैपटॉप का आपका कीबोर्ड का साइड के बेस की जो लगेगी उसके लिए यहाँ पे भी रबर ग्रिप है, ताकि आप उसमें स्क्रैच ना लगे आपके लैपटॉप में। और ये एडजस्टिंग के लिए दिया है, एडजस्ट कर सकते हैं किस लेवल में आपको चाहिए। आगे मैं आपको लैपटॉप रख के भी इसको दिखाऊंगा किस तरह है आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें मेगास्टो की ब्रांडिंग है, देखिए चैनल इस तरह की बनी है। इस तरह आप स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करने के बाद आप इसे आप ऊपर उठाएंगे और इसको जिस लेवल में आपको चाहिए उस लेवल में आप ले जाके इसको फिक्स कर सकते हैं। एक बार फिक्स हो जाएगी उसके बाद आपको उसी पोजीशन में रहेगी जैसे लग गई, तो लैपटॉप आपका इस पोजीशन में सेट हो जाएगा। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो इसमें आप इसको हाइट बढ़ा सकते हैं, इस तरह आप कर देंगे हाइट बढ़ जाएगी। और बढ़ानी है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स दी गई है हाइट के लिए। सबसे ज़्यादा हाइट रेज करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट में रखने से हाइट ज़्यादा होगा, फिर नेक्स्ट आप सेकंड में रख सकते हैं। इस तरह आप बढ़ा सकते हैं, जिस लेवल में आपको चाहिए उस लेवल में आपको रखना है। कंपनी तो इसमें 20 kg बताती है, पर आपका सारे लैपटॉप आप इसमें रख सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप, सारे लैपटॉप को आराम से रख सकते हैं। बहुत स्टडी, बहुत हैवी है। मोबाइल स्टैंड है, आप इधर उसके लिए मोबाइल है आपके, मोबाइल को आप डाल सकते हैं इधर, टेबल पे आप रख सकते हैं, इधर भी आप रख सकते हैं। ये स्टैंड है मोबाइल का, जिनमें मैं आपको मोबाइल प्लेस करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। केबल प्रोटेक्ट इस तरह की है, 1 2 3 4, ये 4 केबल प्रोटेक्टर हमारे पास आ गई। मैंने इसे लगा दिया केबल प्रोटेक्टर, अब मेरी केबल बैंड होने से बची रहेगी। बैंड होगी तो ये थोड़ा लोड ले लेगा, पूरी मेरी इस केबल पे प्रेशर नहीं आएगी। तो इस तरह आप केबल प्रोटेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। कैन एंड में भी आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह आप करेंगे। इसमें वो जो कट साइड है उधर आपको लगानी है, और बाकी आप इसके गोल गोल राउंड कर देंगे, घुमा देंगे, राउंड राउंड करके आप इसे घुमा देंगे, बस ये यहाँ भी लग गई। तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरह लगा दिया है, केबल प्रोटेक्टर लग गई है, अब मेरी केबल सेफ रहेगी, इससे इसका लाइफ बढ़ जाएगा। तो अब मैं आपको लैपटॉप इसके ऊपर डाल के दिखाता हूँ। देखिए मेरी लैपटॉप है, अगर मैं इसको इस पर डालता हूँ तो देखिए इस तरह लैपटॉप आ गई। अब मैं इसको इस तरह यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब इससे होगा क्या, इससे होगा हम जब बैठ के इसमें काम करेंगे तो हमारा नेक पेन वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट व्यू आएगी सामने बैठने से, सामने बैठ के हम स्ट्रेट व्यू का में काम कर सकते हैं। टॉप स्टैंड के साथ मैं उठा रहा हूँ इसे, देखिए दोस्तों इस तरह आपको प्लांट में रहेगी। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी है, आप ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज की है, ऐसे ओपन है, आप इसे प्रेस करेंगे पूरी पैक्ड हो गई। इसे आप पाउच में रख के या पाउच में पैक करके कहीं भी ले जा सकते हैं, आप अपने लैपटॉप बैग में भी इसे इजीली रख सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेती है। लैपटॉप को मैंने अपने डाल दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं स्ट्रेट होके देख सकता हूँ इसे, और प्लस हम इस लैपटॉप को वेंटिलेशन के लिए बहुत स्पेस मिल जाती है। पहले अभी तो मैंने इसे सेकंड लेवल में रखा है, और मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, इससे आपको लैपटॉप को बहुत ही वेंटिलेशन स्पेस मिलती है क्योंकि फ़ैन नीचे बेस साइड में रहती है। मेरी ये गेमिंग लैपटॉप है, इसमें तो गेमिंग लैपटॉप ज़्यादा हीट हो जाती है, अगर आप ज़्यादा गेम वगैरह खेल रहे होंगे तो हीट हो जाएगी, अगर आप
उसमें ईयर पास नहीं होगी तो लैपटॉप हीट होगी, तो उससे इफेक्ट भी आएगा लैपटॉप पे। कीबोर्ड भी टाइप करने के लिए बहुत ईजी है, अभी इस पोजीशन में भी मैं आराम से कीबोर्ड टाइप कर सकता हूँ। ईयर वेंटिलेशन वगैरह बहुत बढ़िया हो जाती है और इससे होता कि आपको स्पेस भी बहुत मिल जाती है, जैसे आपको लैपटॉप स्टैंड पे रखें तो स्पेस भी बहुत आ जाती है ऊपर आपको, नहीं तो आपको सामने जाके काम करना पड़ता, आप दूर से भी आप काम कर सकते हैं इसमें आराम से। बस इसकी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है लैपटॉप की, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो जिस लेवल का चाहिए आप उस हिसाब से इसे सेटिंग कर सकते हैं। 7 लेवल दी गई है, 7 लेवल में आप जो पसंद है आप उस लेवल को रख दें, उस लेवल पर रख के आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो उस बेस्ट बाय लिंक से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।